हंड्रेड एट द रेट ऑफ 15-17। इंफोसिस 15-17 के रेट पे है, लंबी अवधि हाँ के लिए लिए हैं कि अभी ट्रेडिंग वेडिंग का मन बन गया था रिजल्ट्स के बीच में? वैसे सर ये आईटी के रिजल्ट्स आ रहे थे ना, इसलिए ले लिया था। सब रिजल्ट्स पे लेते हो आप? आपको कैसे पता रिजल्ट अच्छे होंगे कि बुरे होंगे? सर बिल्कुल भी रिजल्ट्स पे नहीं लेते, मैं पहली बार ही ऐसे लिया अच्छा, पहली बार ऐसा लिया। पर वो बंधन में भी फिर आपने ऐसा किया था? सर। बंधन पे ना कॉल दे रहे थे कि 209 तक से आएगा। और जिसने दी होगी उसने स्टॉप लॉस भी बोला होगा। स्टॉप लॉस ही सर मैंने लगाया। अब चलिए इन्फोसिस, अमित जी कुछ आइडिया क्या नतीजे कैसे रहेंगे, कुछ पता चला क्या आपको? मैम ने नतीजे पे दाव लगाया है। जी आशीष जी, नतीजों का तो बिल्कुल नहीं पता कैसे आएंगे, लेकिन अगर टेक्निकली स्ट्रक्चर देखें तो 1400-1450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। बट ये सब जो आईटी स्टॉक्स है ये रिजल्ट पे काफी मूव देते हैं, बोथ ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। तो ये बात आप मैम जरूर ख्याल रखिएगा। टेक्निकली देखा जाए तो अच्छा स्ट्रक्चर है, अगर रिजल्ट यहाँ पे थोड़े पॉजिटिव आते हैं, अगर कमेंट्री अच्छी रहती है, मुझे लगता है ये एक अच्छा जोन है रिवर्सल का। तो सारा आप दरबदार इसका रिजल्ट के ऊपर है, रिजल्ट हमें देखना पड़ेगा इसके कैसे आते हैं। चलिए भाई, इस नोट पे चंद्रिका मैम, स्वाति जी, इशिका मैम और वैसे अमित जी जो है हमारे सिंधी सेवास के कोर पैनल का ही हिस्सा हैं, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज अमित जी ये बताओ, जाते जाते मैम के लिए कोई ज्वेलरी वेलरी खरीदी क्या आपने हाल फिलहाल? नहीं आशीष जी, अभी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, अभी कुछ गोल्ड के चार्ट्स कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी इस टॉपिक को अवॉइड करता हूँ। नहीं, क्योंकि सेनको गोल्ड आपके इलाके की कंपनियां फट गई है डॉक्टर साहब, दिखाते जाओ ब्रेक पे जाते जाते वो क्वार्टर फोर के अपडेट्स, 17% सेनको गोल्ड उस अपडेट पे मजबूती से खड़ा हुआ। अमित जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, क्विकली छोटा सा ब्रेक।